तो 40 साल के ये महोदय हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ है। तो अब माता जी, जो जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, क्या उनका त्याग कर दिया आपने? क्या वो माता पिता नहीं रहे अब? अब क्या गुरु ही माता पिता हो गया? तो आपका कब जन्म होगा प्रभु जी? आपका जन्म हो गया क्या? नहीं, हमारा जो आध्यात्मिक में जन्म तो होना है, होने का बाकी है। जैसे आपकी कितनी आयु है अभी? अभी तो 40 है। तो अभी ये परिवार जो एक हमारे साथ जो बैठा हुआ है, ये एक ऐसा परिवार है, ये माता जी आप देख रहे हैं जो इन्होंने होलिया बना के रखा, ये ऐसा नहीं कि कोई इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आई हैं तो ये अब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये गोल्ड मेडल नहीं, लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया है उसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये किसका मेडल, आपने कौन सा मेडल जीता आपने, उसी को लेके चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माता जी कहाँ से आई हैं अभी आप? हम नागपुर से। ये आपका मतलब ये क्यों पहना है, कहाँ किसी समारोह से आए थे, कहाँ से आए आप? दीक्षा विधि हुई है अभी। अच्छा, क्या होता है ये दीक्षा विधि? नया जन्म मिलता है हमें। तो आज आपका नया जन्म हुआ है? जी प्रभु जी। तो कैसा लग रहा है? गुरु से आशीर्वाद मिला है हमें। अच्छा, तो जन्म तो आपका पहले भी हुआ था, इतनी बड़ी होगी माता जी। जी। तो क्या वो जन्म नहीं था क्या? जी, असल में वो जन्म नहीं था। अच्छा, असली जन्म अब हुआ है। तो उस जन्म में और इस जन्म में क्या फर्क है? पहले जीवन मिला था वो हमारे भौतिक माता पिता से मिला है। अच्छा, अभी जो नया जन्म मिला है हमारी आध्यात्मिक पिता, जो हमारे गुरु है लोकनाथ स्वामी महाराज जी, जिन्होंने हमें नया जन्म दिया। सारी जगत के संसार में जितने भी जीव है, जिनको भी बुद्धि है, जो इंसान है, उन्होंने भगवत का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन में इनकी 16 माला जप करना चाहिए ताकि भगवत प्राप्ति हो जाए। ये मंत्र से जाप करने से ही भगवत मुक्ति मिलती है। ये जन्म हमें भक्ति करने के लिए ही मिला है, व्यर्थ गवाने के लिए नहीं। तो माता जी, क्या गृहस्थ में कर सकते हैं इस तरह की भक्ति आपकी तरह? गृहस्थी तो और अच्छे से कर सकते हैं, गृहस्थ में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं जैसे आप। इसके लिए हमें सन्यास ही लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज। ये इस्कॉन से है? इस्कॉन से है। तो प्रभु जी, अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ, इससे पहले दीक्षा ना हुई, अगर इस बीच आपकी मृत्यु होगी, तो आप क्या बिना जन्मे हुए मर गए हैं क्या? और जो इतनी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, क्या वो उसका हिसाब नहीं होगा क्या? उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब ऐसा होगा कि वापस पुनर्जन्म मिलेगा धरती पर ही, और जो जो भी भक्ति है उसे फिर से जिएंगे। जो घर में जन्म मिलेगा वो आध्यात्म घर मिलेगा, यानी अभी भक्ति खत्म नहीं होगी, वो जो जन्म मिलेगा, जिस घर में जन्म मिलेगा वो आध्यात्म पहले से ही वो घर में रहेगा, फिर हमारी भक्ति वहाँ से चालू होगी, ऐसा हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं।